हेलो एवरीवन, मैं आपके सामने साइंस के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी-कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की लंबे समय तक कमी हो जाती है। इस कमी से व्यक्ति में उत्पन्न रोग कहलाते हैं, अनुवांशिक रोग, अभावजन्य रोग, संक्रमण रोग या ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू, अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी-कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है, तो वह व्यक्ति उस पोषक तत्व के अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होते हैं, अभावजन्य रोग कहलाते हैं। नेक्स्ट, एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। निम्न में से कौन सा कथन इसका सही निष्कर्ष है? कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन से अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। वसा युक्त भोजन से अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी, क्योंकि वसा ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। इतनी अधिक वसा हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है, और इतना अधिक कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, इतनी अधिक वसा हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा के समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, परंतु वसा की अधिक मात्रा शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। नेक्स्ट, समतल दर्पण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन एक होता है। किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति के बराबर होनी चाहिए, वन व टू दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन वन होता है। नेक्स्ट, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, इसके ऑप्शन है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, चुंबक की चाल में परिवर्तन की दर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कुंडली के पदार्थ पर निर्भर करता है, बल रेखाओं के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, बल रेखाओं के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। लेंज के नियमानुसार किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट, वर्षा ऋतु में आकाश से गिरने वाली बिजली से बचने के लिए तड़ित चालक का प्रयोग करते हैं। तड़ित चालक धातुओं के बने होते हैं, क्योंकि धातुओं में चमक होती है, धातुएं कठोर होती हैं, धातुएं सुचालक होती है। धातुओं के बने तड़ित चालक जल्दी खराब नहीं होते। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, धातुएं सुचालक होती हैं। तड़ित चालक धातुओं के बने होते हैं, क्योंकि धातुएं सुचालक होती है, जिससे धारा जमीन के अंदर समाहित हो जाती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनता है। सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन, सोडियम क्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है, एक दूसरे को उदासीन कर देता है तथा सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है। नेक्स्ट, घाव पर फिटकरी लगाने से रक्त स्राव रुक जाता है, क्योंकि फिटकरी एक भूतरोधी है। फिटकरी का टुकड़ा घाव को ढक देता है, फिटकरी रक्त को स्कंदित करके धक्का बना देती है, फिटकरी घाव के आसपास तापमान को कम कर देती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, फिटकरी रक्त को स्कंदित करके धक्का बना देती है। नेक्स्ट, क्षार का जलीय विलयन, इसके ऑप्शन है नीले लिटमस को पीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू, लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षार का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला तथा मैथिल ऑरेंज को पीला तथा फिनॉल फ्थेलिन को गुलाबी कर देता है। तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ इमली नींबू आदि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तांबे के बर्तन में रखने पर यह पदार्थ कड़वे हो जाते हैं, तांबे से अभिक्रिया करके उनका संक्षारण करते हैं, तांबे के बर्तन को काला कर देते हैं, या तांबे के बर्तन में रखने पर ये पदार्थ सड़ जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू, तांबे से अभिक्रिया करके उनका संक्षारण करते हैं। तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ अर्थात अम्लीय पदार्थ रखने से ये पदार्थ तांबे से अभिक्रिया करके उनका संक्षारण करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पोलोनियम या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, पोलोनियम। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक होती है।